राहुल जो हनुमान मंदिर है पप्पू, राहुल गांधी तक मुखिया बनने लायक नहीं है गाँव का, 17 साल तो मौका ही दिया दिनों। ऐसे ऐसे कन्हैया कुमार पे जैसे चाटे लगेंगे, मैं आपको बता दूं बिजली फ्री पानी फ्री करने से देश नहीं चलता है। राहुल गांधी को जानता कौन है? मैं मोदी सरकार 400 पार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ अदिति शर्मा। एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होके जाता है, तो इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 8 में और हमारे साथ यहाँ की जनता है। तो आइए जानते हैं कि जनता की क्या राय और जनता क्या कहती है कि सरकार किसकी बनेगी और केंद्र में सरकार किसकी होगी। जी, क्या नाम है? मेरा आकाश शर्मा नाम है। आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बननी चाहिए और सत्ता अब किसकी आए? सरकार जो चल रही है पहले से ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दोबारा आनी चाहिए और पूर्ण बहुमत के साथ आनी चाहिए, क्योंकि कार्य किए हैं, मेन फोकस होता है कार्य अच्छे अच्छे किए हैं, रोजगार भी है और हाईवेज रोड भी हैं और शिक्षा भी बढ़ रही है इस सरकार में। जैसा हम देख रहे हैं यूपी में अब 6ठे चरण का चुनाव होने जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा कठिन है। नहीं देखिए, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, ये नहीं कि हर चीज चलती रहे। कभी देखिए, हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई एक ही सरकार है, कभी दूसरी भी सरकार होगी, बट हाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और कर रही है, तो हम यही चाहेंगे कि आगे भी यही पार्टी आए। तो क्या 2019 को वो अपना इतिहास दोहराने वाली है? 2019 में दोबारा जैसे बीजेपी भारी बहुमत से आई थी, वैसे ही 2024 में भी भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, सत्ता बनेगी। और निर्दलीय प्रत्याशी दो हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह और एक राजस्थान से रविंद्र भाटी, ये भी भारी मतों से निकलेंगे दोनों। लेकिन यूपी में अब सपा और कांग्रेस एक साथ आ गई है। यूपी में सपा कांग्रेस बसपा एक जगह आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 400 पार तो नहीं होगी, लेकिन सीटें सरकार बीजेपी की बनेगी उत्तर प्रदेश भारत में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अभी राम मंदिर का मुद्दा था पूरा हो गया, 370 था वो भी पूरा हो गया, और सरकार अच्छा काम कर रही है, अभी आयुष्मान कार्ड दिया, सिलेंडर फ्री दिया, ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, तो टाइम टू टाइम लोगों को मिल रहा है। जब देगी जब की जब बात है, अभी तो जो सुविधा मिल रही है लोगों को हैंड टू हैंड मिल रही है, आवास भी मिला है लोगों को, तो इसीलिए इस बार बीजेपी सरकार भारी मोहम्मद से दोबारा आ रही है वापिस। आपको क्या लगता है कि केंद्र में किसकी सत्ता होगी? केंद्र में बीजेपी की सत्ता आएगी, क्योंकि हमारा देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमारी देश रहेगा तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या अगर किसी और की सरकार बनेगी, किसी और राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा? नहीं, इतना वो ध्यान सुरक्षा के मामले में और दूसरी पार्टियां नहीं देती, जितने ये जो बना रहे हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारा देश जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अब जैसे यूपी में 6ठे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं पहले के चरण के हिसाब से कठिन है, लेकिन निकल जाएगी बीजेपी, जीत हासिल कर पाएगी। हाँ बिल्कुल, जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वो यूपी से ही आती है। हाँ, वो यूपी में अच्छे रिजल्ट आएंगे इनके। बीजेपी जैसी भी है अच्छी है, अपने भारत के लिए अच्छी है, लेकिन जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, सबके लिए गलत। सारी प्राइवेट चीज कर दी, क्यों करी? हम भी तो वोट देते हैं, मैंने बीजेपी को वोट दिया, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैंने बीजेपी क्यों दिया? अच्छी सब चीज के लिए, परिवार के लिए अच्छी चीज काम कर रही है, बहू बेटी के लिए अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन उसको ये तो देखना चाहिए कि सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उसको ये प्राइवेट चीज नहीं करनी चाहिए जो बात है। बस मैं तो डांट बोलता हूँ, गरीब लोग को नहीं करना चाहिए उसको। वो बीजेपी गरीबों के हित के लिए सोच रही है? नहीं सोच रही, पूछ लो क्या बोल रहा? नहीं सोच रही। अच्छा, तो जनता कह रही है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार। गलत है, मैंने वोट दिया बीजेपी। आप कह रहे कि गरीबी पे काम नहीं? तो हम वाल्मीकि समाज के हैं, हमारे लिए नहीं कुछ कर रही है, बात खत्म। सारी प्राइवेट दलित समाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, अन्य जाति जो छोटे जाति हैं वर्ग के लोग वो परेशान चल रहे हैं। कुल मिला के ये है कि मोदी सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है, हिंदू दत्त की सरकार है, हम ये चाहते हैं। पूरे यूपी में 80 सीटें हैं, तो ये कह रहे हैं कि 400 पार क्या, पूरे 500 सीटें आनी चाहिए बीजेपी की। बीजेपी का जो नारा है कि 400 प्लस होगा, ये क्या सही होने जा रहा है? एकदम जी होने जा रहा है, एक नंबर होगा, क्योंकि मोदी सरकार जैसी कोई सरकार नहीं होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में
ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, जो कि पूरे देश के पाकिस्तान भी सोचता है कि ऐसा प्रधानमंत्री है कि हमारा देश नंबर वन पे चल रहा है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? राहुल गांधी तो एक मुखिया बनने लायक नहीं है गाँव का। क्यों? इसलिए क्योंकि राहुल बेकार है। राहुल जो हनुमान मंदिर है पप्पू, क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? सब जान चुके हैं राहुल गांधी क्या है पप्पू। आप एक मौका नहीं देना चाहते? मंदिर जो मौका 17 साल तो मौका ही दिया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। जो बात है कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? वो भी किया, थोड़ी बहुत किया। अगर कांग्रेस काम करती तो सत्ता में होती है, कांग्रेस अच्छे काम नहीं किए कभी सत्ता से बाहर है। लेकिन बाकी पार्टियां बोल रही है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, महंगाई करी है। आज बीजेपी की सरकार ऐसी है कि गुंडे घर में छुपे हुए हैं, वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। जो जेल में चले जाते हैं कहते हैं हमें कप कप आ रहे हैं, हमें बाहर मत निकालो, हम अंदर ही मर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ योगी मोदी जिंदाबाद रहेंगे। और मैं बता दूं एक सेकंड, छठे वर्ग के चुनाव चल रहा है। छठे वर्ग में हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी है, जिन्हें आसनसोल से टिकट मिला था बीजेपी से, उनका टिकट कैंसिल होने की वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भारी मतों से वहां से विजयी हो रहे काराकाट बिहार से। और इसके बाद निरहु भैया हैं, जो जितने हमारे बिहार पूर्वांचल के लोग हैं, मनोज तिवारी जी बड़े भैया दिल्ली से हैं, सारे विजयी घोषित हो रहे हैं। और कन्हैया कुमार जो कहता तुम्हारे भारत दो टुकड़े होंगे, ऐसे कन्हैया कुमार पे ऐसे चाटे लगेंगे कि भारत टुकड़े क्या, वो पूरे देश के टुकड़े करने के लिए लायक नहीं रहेंगे। केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं रिंकिया के पापा नहीं जीतने चाहिए। अच्छा ये बताइए केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो क्या सही कह रहे हैं? अगर दिल्ली के अंदर केंद्र शासित राज्य नहीं होता तो दिल्ली चलाना केजरीवाल जी को भारी पड़ जाता, ये दुनिया जानती है। क्योंकि जितने बड़े बड़े काम होते हैं सारी केंद्र सरकारें करती है, ना कि दिल्ली सरकार करती है। मैं आपको बता दूं बिजली फ्री पानी फ्री करने से देश नहीं चलता है, उसे देश चलाने के लिए नोएडा जितना बड़ा दिल्ली है ना उतना बड़ा नोएडा है। ठीक है जी, नोएडा में क्या विकास हुआ है? नोएडा में कार्य हुए हैं? नोएडा में जितना विकास हुआ उतना कहीं विकास नहीं हुआ है। आज के डेट में आप नोएडा के रोड नाली से देख लीजिए, पूरी पुलिस प्रशासन देख लीजिए, रात बिरात कोई महिला अगर रोड बीच में चलती है तो तुरंत प्रशासन टाइट हो जाती है। ठीक है, मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और हमारे मोदी जी की ऐसी सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार ऐसी है कि गुंडे थर थर कप कप। ये कहना चाह रहे कि यूपी में योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया? जी एकदम। और सबसे ज्यादा हमें आज खुशी होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कि आज पूरे पाकिस्तान चाहे पूरे देश में आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती अपने देश को, क्योंकि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है। अगर कोई आंख उठाता है तो उससे पहले मोदी जी 370 से लेकर बड़े बड़े काम करके हटा देते तुरंत। इसलिए मैं कहता हूं अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। जय हिंद जय भारत। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सपा बसपा और कांग्रेस एक साथ आ गई है? कोई मुश्किल नहीं, हवा है, हवा के जैसे बात हो रही है सबकी। विपक्ष वाले सब गुमराह हुए पड़े हैं, सबको गुमराह करने की कोशिश कर ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है और 400 प्लस तो मुश्किल है, बट ये है 380 के आसपास में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। बाकी सरकार पे आपको क्या विश्वास नहीं है कि आप उन्हें एक मौका नहीं देना चाह रहे? काम नहीं किए ना, मोदी जी के राज में काम हो रहा है। धारा 370 है वो हटाए गए, 35 से राम मुद्दा जो था सबसे 500 वर्षों से हमारा मुद्दा बना हुआ था राम अयोध्या मुद्दा का, वो विस्तार रूप से बन गए तैयार हो गए। आज गुंडागर्दी खत्म है, सारे जो जमीनी स्तर पे काम हो रहे प्रचंड बहुमत से हो रहे, सही तरीके से हो रहे, मोदी जी के राज में हो रहे, योगी जी के राज में हो रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी में पीएम बनने की काबिलियत है? राहुल गांधी को जानता कौन है? राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? पहले तो ये बताए विपक्ष के लोग, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, तेजस्वी यादव को कहते हैं कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कहती प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, अखिलेश यादव कहते प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। सबसे पहले विपक्ष के जितने भी लोग हैं पहले डिसाइड कर ले कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। कुर्सी तो एक ही है प्रधानमंत्री, अगर देश हित में अगर कोई काम कर रहा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है और नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। लगता है कि 2019 का इतिहास दोहरा रहे हैं? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से दोहराया जाएगा। ये जनता जो समस्त जनता जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ है और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ है। बिल्कुल अगला भावी प्रधानमंत्री है भाई योगी जी, 29 तक तो मोदी जी रहेंगे, उसके बाद योगी जी है प्रधानमंत्री। मोदी के बाद योगी जी? मोदी जी के बाद योगी जी। अच्छा। प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बाकी और आपको किसी सरकार पे विश्वास नहीं? किसी सरकार पे विश्वास नहीं, इस सरकार पे विश्वास है, सब सुरक्षित है,
यहाँ के महिला सुरक्षित है। बाकी पक्ष कहता है कि महंगाई बढ़ा रखी है, भ्रष्टाचार कर रखा है। क्यों महंगाई तो सबके सरकार में, एक बात बताइए, इतना बड़ा हमारे देश पे आपदा आया, इतना बड़ा आपदा आया हमारे देश पे, क्या बोलते लॉकडाउन की स्थिति हुई, पूरा देश राष्ट्र हित बंद हो गया, तो महंगाई तो स्वाभाविक बात बढ़ना है। राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलते हैं कि मोदी सरकार ने, उन्होंने हमारे देश में मुस्लिमों की स्थिति दलितों जैसी कर रखी, क्या सही है ये बात? राहुल गांधी जी अपने देश के खिलाफ काम करते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, अपने देश के विषय में प्रशंसा करना चाहिए, तो विदेश में जाकर के अपने देश के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में विरोधी बात करते हो। राहुल गांधी जी कहीं से कहीं तक नैतिकता के आधार पे, इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। आपने यूपी में विकास कार्य देखे? विकास कार्य बहुत बढ़िया विकास हुआ, क्योंकि विपक्ष कहता है कि सिर्फ सरकार ने, मोदी योगी सरकार ने सड़कों के अलावा कुछ नहीं। सबसे पहला गुंडागर्दी खत्म कर दिया योगी जी ने, जो आज जो हमारी जो महिला जो है, हमारे मातृशक्ति जो है, खुलेआम 12 बजे रात में रोड पे घूम रही है। पहले की स्थिति ये थी कि घूमना क्या, रोड पे चलना दुश्वार हो गया था। आज बहुत बढ़िया, पूरे देश हित में सारी देश की जनता अपने आप को गर्ववान महसूस कर रही है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित हैं। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करते हैं जी, औरों को महसूस करवाते भी हैं। आइए हम जानते हैं कि इस पर महिलाओं की क्या राय है। जी मैडम, आप बताइए कि सरकार किसकी बननी चाहिए और क्या केंद्र में किसकी सत्ता? मुझे मोदी सरकार चाहिए, बीजेपी चाहिए। क्यों? मुझे भी बहुत, मेरे हम लोग को बहुत सहायता किया है, बहुत अच्छा किया है, जब से आया है सरकार हम लोग के लिए बहुत सहायता किया है, महंगाई से हम लोग को है, राशन वोशन में बहुत सहायता हम लोग को किया है, ये देखो तो लॉकडाउन में बहुत हम लोग का सहायता किया है हर चीज़ों के लिए। हाँ बिल्कुल, लड़कियों को भी छूट मिला, लड़कियों भी कहीं जा रही आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोलूँ, मैं मोदी सरकार 400 पार है, क्यों ले जाते हैं, इसे सुरक्षा कर रहे हैं, धीरे धीरे सही कर रहे हैं, विकलांगों के भी सुविधा दिए हैं, जब से मोदी सरकार हुए, जब से हमारा हाथ टेढ़ा है तो किसी सरकार ने नहीं बनाया, मोदी सरकार आया तो मेरा विकलांग का कार्ड भी बन गया और राशन कार्ड बना। आपने सुना कि केंद्र में किसकी सत्ता चाहती है जनता, और साथ ही साथ अब देखना ये होगा जो कि 4 जून के परिणाम बताएंगे कि केंद्र में किसकी सत्ता बनती है और किसकी सरकार वापस आती है, क्या बीजेपी सरकार अपना इतिहास दोहराती है या फिर कोई नई सरकार बनती है।